हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इलास्ट्रेशन 6 करके पेज नंबर 179 पे दिया गया। ऑलरेडी सारे चैप्टर के मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ये सब की खास बात क्या है, क्योंकि जितने हमने इलास्ट्रेशन 1st, 2nd, 3rd, 4th देखे, और ये 6 थोड़ा डिफरेंट इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटर का अमाउंट आपको सम में दिया गया है करीब 18,000, लेस आरडीडी सम में ही दिया गया 900, तो आउटर में कितना आ रहा है 17,100 आ रहा है। और यहाँ पर बोला क्या गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर बोला क्या गया, डेटर वेयर ऑल द गुड्स अवेयर आर डी डी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब आर डी डी हुआ ही नहीं, मतलब सारे डेटर क्या हो गए, गुड्स। और क्या बोल रहे, आर डी डी इज नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब आर डी डी हुआ ही नहीं, मतलब हमने सोचा था कि ये जो 900 रुपये आपने लिए क्या हो जाएगा, आर डी डी होगा, वो हुआ ही नहीं, बल्कि हमको क्या हो गया, पूरे 18,000 रुपये मिल गए। क्लियर है, मतलब ये 17,100 का क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ये जो डेटर कहाँ चला जाएगा, सीधा असेट साइड पर आपको चला जाएगा, सीधा आउटर साइड पर चला जाएगा। और ये आर डी डी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तुम बोलोगे क्यों सर क्रेडिट साइड, क्योंकि ये मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब आरडीडी हुआ ही नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि 900 रुपया मुझे नहीं मिलेगा, हालांकि वो क्या हो गया, मिल गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल मुझे 18,000 मिल रहा है, ये 900,000 मैंने सोचा था लॉस होगा, वो हुआ ही नहीं, बल्कि ये क्या हो गया, मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा। डोंट वरी, अभी भी कुछ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बुक में जाके सम सॉल्व कर दो, देम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट बना लीजिए, मिलके साथ में सम सॉल्व करते हैं। इलास्ट्रेशन 6 क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, और यहाँ पर क्या दिया, अनिल, सुनील और यहाँ पर सुरेश दिया है, वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, इक्वली, मतलब सबका रेशो क्या इक्वल, इक्वली मतलब 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, मतलब अनिल का भी 1 रहेगा, सुनील का भी 1 रहेगा, सुरेश का भी 1 रहेगा, तो 1/3 हो गया, 1/3, 1/3 हो गया। क्लियर है, अभी आप सभी को पता है क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में, रिजर्व फंड कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय, बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अभी बैंक कहाँ चाहता है, आप सभी को पता है असेट्स में, तो असेट्स में, डेटर भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, तो ए लिखे, आर डी डी के बारे में सब में कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा, कंप्यूटर असेट्स में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, मशीनरी भी असेट्स में जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर फर्नीचर भी असेट्स, गुडविल भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे, ऑन 1st April 2019 सुरेश रिटायर ऑफ द फॉलोइंग टर्म, मतलब सुरेश क्या हो रहा है, अपना पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्लियर है, ये वाला लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900, तो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार करना है, और किसको स्टार करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, स्टार करना है। क्लियर, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार कर दिया और कंप्यूटर को भी क्या कर दिया, स्टार कर दिया। आगे क्या बोल रहे, डेटर वेयर ऑल गुड एंड आर डी डी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब सारे डेटर क्या हो गए, गुड्स, मतलब ये जो आर डी डी हमने सोचा था हुआ ही नहीं, तो ये आर डी डी अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, क्यों, ये जो 900 मुझे क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने सोचा था कि आर डी डी क्या हो जाएगा, नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब आर डी डी का हमें जो भी पैसा था क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, मशीनरी रिड्यूस एट कितना हो रहा है, 9,400, तो मशीनरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया गया, 16,500, और यहाँ पर देखो गुडविल कितना दिया गया, 12,000 दिया गया, तो गुडविल को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, मतलब गुडविल का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, इतना दिमाग में रखो। आगे क्या बोल रहे, फर्नीचर वेज सोल्ड कितने में सेल कर रहे हैं, यहाँ पर 21,800, अ पार्ट पेमेंट कितना बोल रहे, 15,000 मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस एंड द बैलेंस ट्रांसफर क्या, ये तो ये जरा फर्नीचर सोल्ड कितने में बेच रहे, ये इतने में क्या कर रहे, फर्नीचर को बेच रहे 21,800, तो फर्नीचर को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार। और आगे क्या बोल रहे, पार्ट ऑफ 15,000 मेड टू पेड, मतलब ये मेड का मतलब क्या करें, हम पे किसको पे करें, सुरेश को पे करें, किससे पे करें, आरटीजीएस, मतलब सुरेश को पैसा पे कर रहे, तो अपने बैंक में भी क्या आ जाएगा, स्टार। और फर्नीचर को बेच रहे तो पैसा कितना आ रहा है अपने पास, 21,800, और देखोगे फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया है, ये 20,000 दिया गया, मतलब फर्नीचर में 1,800 मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या कैसे होता है बताता हूँ, पे कर रहे तो अपने पास से तो पैसा क्या होगा, जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, और ये पैसा कौन रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, यहाँ पर सुरेश, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा,
सुरेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक कितना पैसा पे कर रहे हैं 15,000, तो यहाँ पर भी 15,000 लिखूँ, यहाँ पर भी क्या करूँ 15,000 में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, डरने की कोई बात नहीं। और ट्रांसफ़र क्या करना है, लोन अकाउंट मतलब बैंक को स्टार है, डेटर को स्टार नहीं, असेट साइड में चला जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटर लैंड एंड सबको क्या है स्टार। जैसा अगर आप देखोगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर है, और यहाँ पर देखो बैलेंस शीट किसका रहेगा, अनिल और सुनील का ही रहेगा। क्यों, सुरेश तो क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। क्लियर है, तो सुरेश का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पर बना दिया है इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा अनिल एंड क्या लिखा सुनील, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा 1 अप्रैल 2000 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखोगे आप पूरा चीज़ मैंने क्या कर दिया, अच्छे से क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बारी आई तो जैसे आपको पता है क्रेडिटर बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने कहाँ लिख दिया, लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। कैपिटल के बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया, जनरल रिजर्व आपको पता रहेगा, रेशियो इक्वल ये तो कितना आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर RDD कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बैंक को स्टार है तो इनर में लिखा बैंक को, हालांकि 2 स्टार है, मैं यहाँ पर बताना भूल गया। तो कितना लाइन मैंने छोड़ दिया, 5 लाइन छोड़ दिया। डेटर को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में 18,000 चला जाएगा। कंप्यूटर लैंड एंड बिलिंग मशीनरी फर्नीचर, और आप देखोगे गुडविल को भी क्या है स्टार है। आगे क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिलिंग अप्रिशिएट बाय कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10%, मतलब लैंड एंड बिलिंग का वैल्यू 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लैंड एंड बिलिंग को भी मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ऐड करना है, बढ़ रहा है तो अप्रिशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐड, यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा कितना परसेंट बोल रहे हैं 10%, तो एट द रेट कितना आ जाएगा 10% लिखो। ये जो 70,000 का कितना निकालना है 10%, तो 10 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर है, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। 70 + 7 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 77,000 आ जाएगा। अप्रिशिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय लैंड एंड क्या आ जाएगा बिल्डिंग आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 7,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय कितना हो रहा है 1,900, मतलब कंप्यूटर में से कितना लेस करना है 1,900 क्या करना है लेस। अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिशिएशन क्या होता है बोला जाता है। कितना माइनस करना है 1,900 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये जो कंप्यूटर का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 17,500, उसमें से माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 15,600 रुपीज़ आ जाएगा। कैसे, ये नहीं जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये आ गया, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस तो लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू किस चीज़ के वजह से हो रहा है कंप्यूटर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कंप्यूटर्स का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 1,900 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे देखो क्या बोल रहे, RDD वॉज नो ऑलवेज गुड, ये तो हो गया मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 9,400, और बुक में देखो मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है 10,000, मतलब 9,400 हो गया। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं डेप्रिशिएशन बोला जाएगा। कितना कम हुआ 10,000 में से, कितना माइनस करूँ मैं 9,400 में क्या करूँ माइनस करूँ, तो आंसर कितना आंसर आ जाएगा 600 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आउटर में कितना आ गया 9,400 रुपीज़ क्या होगा मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा। और 600 प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो लॉस हुआ तो लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड, तो टू यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा मशीनरी का, मुझे क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 600 रुपीज़ क्या होगा, आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो आगे क्या बोल रहे, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 16,500, और बुक में देखो गुडविल का वैल्यू कितना हो गया 12, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐड उसको क्या बोलेंगे अप्रिशिएशन क्या बोलेंगे, बोलेंगे कितना बढ़ रहा है। देखो बुक में कितना दिया गया यहाँ पर 16,500, और यहाँ पर कितना दिया है 12, तो ये 16,500 प्लस माइनस, सॉरी माइनस 12,000, तो आंसर कितना आपको आंसर आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16,500 क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर अप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अभी देखो ये जो गुडविल का अमाउंट आया ना, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो तुम बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, जी नहीं, ये जो गुडविल आता है कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है, ये आपको कहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल साइड में क्या करना है लिख देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा तो इसको नाम क्या आता है बाय गुडविल। क्लियर है, अभी गुडविल का अमाउंट कितना दिया, गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना दिया गया, देखो ये जो
4500 प्रॉफिट हुआ, उसको डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा 3, क्यों रेशो इक्वल है तो 1500 इसका भी कितना आंसर आ जाएगा 1500 इसका भी कितना आंसर आ जाएगा 1500 क्या होगा आपको आउटर में सब में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब रेशियो क्या दिया गया है इक्वली, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो सब में क्या हो जाएगा इक्वली हमें क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ये आपको समझ में आ गया रहेगा गुडविल। अभी क्या फर्नीचर सेल कितने में कर रहे हैं 21800, अभी बुक में देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया 20000, उसको सेल कर रहे तो यहाँ पर क्या आएगा लेस सेल्स ऑफ फर्नीचर, या तो फर्नीचर को मैं क्या कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ तो सेल्स, तो मेरे पास से फर्नीचर कितना जाएगा पूरा 20000 का फर्नीचर। तुम बोलोगे 21 जी नहीं कुछ जाएगा नहीं, आउटर में क्या आ जाएगा नील। अगर आपको मैं इसका जर्नल एंट्री लिख के बता रहा हूँ फर्नीचर को बेच रहे तो मेरे पास से क्या होगा 2 यहाँ पर क्या जाएगा फर्नीचर जाएगा। क्लियर, कितने का फर्नीचर जाएगा 20000 का ही मेरे पास से क्या होगा फर्नीचर जाएगा, पर बदले में मेरे पास पैसा कितना आ रहा है यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर बैंक से पैसा कितना आ रहा है यहाँ पर दिया गया है कितना पैसा आ रहा है 21800 रुपीज़ आ रहा है। तो मतलब ये 1800 मुझे क्या हो गया ये प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट। मतलब बैंक से कितना पैसा आ रहा है 21800, तो बैंक में कितना लिख देंगे 21800 ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा किस चीज़ को पैसा आ रहा है सोल्ड फर्नीचर, तो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है 21000 कितना आ रहा है 800 आ रहा है। क्लियर, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 12 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3, मतलब कितना आया 30200 रुपीज़ क्या होगा मुझे आ गया। क्लियर है, ये आ गया। अभी देखो ये फर्नीचर यहाँ से तो कितना चला गया पूरा 20 और ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय किस चीज़ के वजह से हुआ फर्नीचर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा फर्नीचर का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 1800 रुपीज़ मुझे क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। देखो मैंने बताया था आपको 1800 रुपीज़ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको क्लियरली और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे अभी क्या बोल रहे हम किसको पे करें सुरेश को RTGS कितना पैसा पे करें 15000, तो मेरे पास से बैंक से पैसा जाएगा। अभी देखो बैंक डेबिट था तो ऐड किया, अभी क्रेडिट हो रहा है तो बैंक से पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे लेस करेंगे, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी पेड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, पेड टू सुरेश लिखो तो भी चलेगा कितना पैसा पे कर रहे 15000 पे कर रहे तो 13000 मतलब कितना आएगा 15200 रुपीज़ क्या होगा मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और देखो पे कर रहे तो ये मैंने बताया था सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सुरेश कैपिटल की कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पर टू नाम क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा और सुरेश में कितना आंसर आ जाएगा 15000 रुपीज़ क्या होगा आ जाएगा। अभी देखो इसका क्या करना है टैली, अभी आप सभी को पता है कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, ये देखो 7000 यहाँ पर है, यहाँ पर तो बहुत कम ही अमाउंट, तो यही साइड क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो 9700 आ जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9700 आ जाएगा। क्लियर है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको कैलसी में करके बताता हूँ। देखो ये 900 प्लस कितना है ये 7000 प्लस कितना है 1800, तो कितना आंसर आ गया 9700। अभी माइनस कितना करना है उसमें से 1900 माइनस कितना करना है 600, तो आंसर कितना आएगा 7200 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट, क्यों क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और ये कहाँ चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो यहाँ पर क्या नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से तीन पार्टनर में जाने वाला है अनिल सुनील और सुरेश, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा अनिल, यहाँ पर किसका आ जाएगा सुनील, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सुरेश का नाम आ जाएगा। और मैंने बताया था रेशो है 7200 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 1/3 1/3 आंसर आ जाएगा। अभी सबको करेंगे तो आपको पता है 2400 इसका भी आएगा, इसका भी 2400 आएगा, यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 2400, ये कहाँ है डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा बाय कहाँ से आ रहे हम ये चाहिए, तो आप लिख देना यहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रैकेट में प्रॉफिट यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहे, और ब्रैकेट में क्या लिख देना ये प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, 2400 यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 2400,
यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 2400 आपको आंसर आ जाएगा। मतलब देखोगे तो यही साइड सबकी क्या ज़्यादा है, यहाँ पर तो एक ही बार 15,000 है, बाकी सबकी यही साइड ज़्यादा है। और जो रिटायरिंग पार्टनर उसको नाम क्या आता है, लोन अकाउंट आता है, तो ये साइड का टोटल करेंगे 32 प्लस ये सब करेंगे तो ये 6,000 हो गया, 32 प्लस 6 डालो तो 38 और ये कितना हो जाएगा 40, तो 40,400 यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 40,400 माइनस कितना करना है 15,000, तो आपको आंसर आ जाएगा 25,400 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, कहाँ जाने वाला, इसको नाम क्या देना है, हमें लोन अकाउंट नाम देना है। और यहाँ पर जो इसका लाइबिलिटी साइड पे आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सुरेश लोन अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सुरेश लोन अकाउंट, अमाउंट कितना आंसर आ जाएगा 25,400 रुपीज़ क्या होगा आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये जो आया अभी देखो, ये जो अमाउंट आया देखो, दोनों साइड का कौन सा, यही साइड क्या है ज़्यादा, तो इसका तो हमने डायरेक्टली लिख दिया लोन अकाउंट, और इसका तो आएगा। और ये जो साइड का बैलेंस आया इसको नाम क्या देते हैं, टू बैलेंस क्या लिखते हैं हम, ब्रॉड डाउन लिखते हैं, क्लियर, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रॉड डाउन, फाइन करेंगे तो क्या आता है कैरी डाउन आता है। अगर इसका टोटल करो फर्स्ट वाले का तो यहाँ पर आ जाएगा 52,000 आएगा, और इसका करेंगे तो कितना आंसर आएगा 43,400 आएगा। सेम यहाँ पर भी सेम दोनों से डर है, सॉरी आपको दिखता ही नहीं रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 52,000 यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 43,400। अगर इसका माइनस करेंगे तो ऊपर भी सेम 43,400, यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 52,000 आपको आंसर आएगा। और यहाँ पर नाम क्या देना है आपको आएगा, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर किसका आ जाएगा, पहले अनिल, और उसके बाद किसका आ जाएगा, सुनील का आ जाएगा, क्लियर है। अनिल का कितना दिया गया है यहाँ पर 52,000 दिया गया है, और सुनील का कितना दिया गया है 43,400 दिया गया है। अब इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, तो देखो ये 52,000 प्लस कितना करना है, ये 43,200 मुझे 43,400, क्लियर है, 43,400। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 95,400 रुपीज़ क्या होगा मुझे आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसका प्लस कितना करना है, ये मुझे 25,000 करना है 400, प्लस कितना करना है ये 20,300 करना है, प्लस ये 10,600, तो कितना आया 1,51,700। तो यहाँ पर एंड में आपको कितना लिखना है 1,51,700, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,51,700, यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 1,51,700 आपको आंसर आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।